नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता के लिए एक पत्र भेजा है। इसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी। पत्र में पीएम मोदी ने लिखा, मैं जब भी मध्य प्रदेश आता हूं, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम और स्नेह देखकर मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। आज प्रदेश विकास की राह पर जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में लिखा, मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, मां नर्मदा की इस पावन धरा को मेरा प्रणाम। मैं जब भी मध्य प्रदेश आता हूं, आपके मन में मेरे प्रति इतना प्रेम और स्नेह देखकर मुझे अपार ऊर्जा मिलती है। आज मध्य प्रदेश विकास की राह पर जिस गति से आगे बढ़ रहा है वह हमारे लिए अत्यंत हर्ष की बात है। पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के अपने अतीत से निकलकर सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बनाए। पीएम मोदी ने लिखा, कौन भूल सकता है 2003 से पहले के मध्य प्रदेश को, जहां बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। पिछले 20 वर्ष से जो भरोसा आपने हम पर दिखाया है उसके चलते मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। इन 20 वर्षों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकार की अथक मेहनत के परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश में हुए 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण, 16% से अधिक आर्थिक विकास दर, 65 लाख से अधिक घरों में नल से जल, 28,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। एक ऐसे विशेष अवसर की बातचीत करने के लिए आया हूं, चिट्ठी आई है और चिट्ठी आई है देश के, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और वो चिट्ठी किसके लिए आई है? वो चिट्ठी इस मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता के नाम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो मोदी जी के मन में भी मध्य प्रदेश कितना है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों को लिखी है। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अपने परिवारजनों के एक पत्र के माध्यम से अपना संदेश भेजा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति, उद्योग और अर्थव्यवस्था को दी गति, विकसित बन रहा मध्य प्रदेश, शिक्षित बन रहा है मध्य प्रदेश। मोदी जी है विकास के दूत, एमपी बन रहा हर क्षेत्र में अग्रदूत। नारी शक्ति है सम्मान, नारी शक्ति है सम्मान है, मोदी जी के राज में नारी को गौरव और अभिमान है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की मध्य प्रदेश वासियों के लिए चिट्ठी जो आई है, जो दर्शाता है कि मोदी जी के मन में प्रदेश वासियों के लिए कितनी अपार श्रद्धा, विश्वास और सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव मध्य प्रदेश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान बना चुका है। देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश को मिली नई पहचान, वैश्विक स्तर पर मोदी राज में हो रहा है एमपी का गुणगान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक अपने 9 साल के कार्यकाल में 35 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश की जनता के लिए 1,17,000 करोड़ से ऊपर मध्य प्रदेश की जनता को उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए जो सौगातें दी हैं, तो इसलिए मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री के मन में हमेशा रहता है। बीमारू राज्य के अतीत से निकलकर जो कांग्रेस का 2003 का मध्य प्रदेश था, जिसे विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ा किया, और आज मध्य प्रदेश सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बना है, तो इसमें प्रधानमंत्री जी का विशेष मार्गदर्शन और सहयोग मध्य प्रदेश को मिला है। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो काम किया है उसको
को संबल और ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक तौर पर सहयोग इस मध्य प्रदेश को दिया है। उन्होंने हमेशा से मध्य प्रदेश को अपने दिल में बसाकर तो रखा ही है, जिसकी परिणति यह हुई कि अनवरत विकास के पथ पर हम अग्रसर हैं। अब मध्य प्रदेश विकास का मॉडल पूरे देश के लिए गरीब कल्याण, महिला उत्थान और समग्र प्रोत्साहन का मॉडल बन गया है। हर मौके पर प्रदेश की जनता ने भी मोदी जी को खूब प्यार दिया है, तो यह अटूट रिश्ता ही प्रदेश के भाग्य को उदय कर रहा है कि आज ये पत्र साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मध्य प्रदेश की जनता के लिए कितना उनका स्नेह और आशीर्वाद इस मध्य प्रदेश की जनता को मिला है। उनका स्नेह मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता से है। मैं ये पत्र आपके सामने जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम चिट्ठी भेजी है, इस पत्र को, इस स्नेहिल पत्र को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाव इस पत्र के माध्यम से 64,523 बूथों पर 5,60,00,000 तो मतदाता है ही, लेकिन 9.5 करोड़ जनता तक इस पत्र के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं को हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये पत्र भी मैं मीडिया के मित्रों को आज आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। खड़े तो नहीं होना। खबर से मैं जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.